आप आने जाने के लिए जो यूज़ करते हैं, ये तो बहुत कॉमन सा है, सबको ही पता है, तो इसके बारे में कम बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई वेयर डू यू वर्क, वेर आर यू वर्किंग, तो उनका आंसर होता है, सर आई एम वर्किंग विद एच सी एल, आई एम वर्किंग इन एच सी एल। तो कुछ लोग विद लगाते हैं और कुछ लोग इन। तो ये जो कन्फ्यूज़न है इसी को दूर करने के लिए ये है आज का वीडियो। होता क्या है, जब भी हम यूज़ करते हैं विद किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वही होता है सही। अगर आपने कह दिया आई एम वर्किंग इन एच सी एल तो यह है गलत, आपको बोलना पड़ेगा आई एम वर्किंग विद एच सी एल, ये सही। अच्छा, हम विद क्यों लगाएं, विद हम इसलिए लगाएं, एच सी एल क्या है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, इनमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं वो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। एच सी एल क्या है, एच सी एल बनी है ग्रुप ऑफ पीपल से। इसीलिए जब भी हम किसी कंपनी के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, तो हम इन न लगा के विद लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन क्यों नहीं लगाते और विद क्यों लगाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जब भी हम बॉडी पार्ट से कोई काम करते हैं, कोई भी एक्शन अगर हम बॉडी पार्ट से करते हैं, तो भी हमें विद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आई स्मेल विद नोज, आई स्मेल बाई नोज नहीं कह सकते हम, आई स्मेल विद नोज, आई हीयर विद माई ईयर्स, आई राइट विद माई राइट हैंड। और बात करें अब पैरों की, पैरों पे चलने के लिए, तो पैरों के है तो बॉडी पार्ट ही, लेकिन पूरा वेट हमारा पैरों के ऊपर होता है, तो हम बोलते हैं ऑन फुट, आई कम हेयर ऑन फुट। इसमें एक और कन्फ्यूज़न है, एक कन्फ्यूज़न क्या है, उसमें एक कन्फ्यूज़न है कि हम दोनों पैरों पे आते हैं, हम दोनों पैरों पे आते हैं, बट फिर भी हम ऑन फुट लगाते हैं, हम ऑन फिट क्यों नहीं लगाते। हम ऑन फिट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हम दोनों पैरों पे एक साथ नहीं चलते हैं, एक पैर हमारा हवा में होता है और एक पैर हवा में ज़मीन पे होता है, तो इस कंडीशन में जो है हम यूज़ करते हैं। और जो तीसरा यूज़ है विद का, वो है कि जब भी कोई चीज़ आप हाथ में पकड़ के काम करते हैं, होल्डिंग समथिंग इन हैंड एंड वर्क। मान लो मैंने हाथ में पेन पकड़ा है और पेन से मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा आई एम राइटिंग विद पेन। मैंने कोई स्टिक पकड़ रखी है पेन में और मैं उससे किसी को समझा रहा हूँ बोर्ड पे, तो हम टीचिंग विद स्टिक। या फिर मैंने हाथ में कोई चाकू पकड़ रखा है और मैं उससे सब्जियाँ काट रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा आई एम कटिंग वेजिटेबल्स विद नाइफ। ये है सारी बात। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, मान लो आपने हाथ में बंदूक पकड़ रखी है और बंदूक से आपने किसी को शूट कर दिया है, तो हम वहाँ पे विद गन नहीं लगा सकते। विद गन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बुलेट है वो बंदूक से निकल के चली गई, तो उसने एक डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमें बाई लगाना पड़ेगा, लाइक आई शूट द बर्ड विद गन। गलत होगा, आई शूट द बर्ड विद गन नहीं लगाना है, आई शूट द बर्ड बाई गन लगाना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो आज हम